अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अक्सर रियाज है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब में पढ़ती हूँ। मेरा नाम मोमिना इरफान है, मैं डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम ताहिरा शौकत है और मैं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की स्टूडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम खदीजा सहर है और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की स्टूडेंट हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अक्सर अरशद है और मैं लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में लाइब्रेरी साइंस की स्टूडेंट हूँ। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स में मुझे शुरू से ही इंटरेस्ट था। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में मैंने इसे पढ़ा क्योंकि फ्यूचर में मैंने इसे लेकर आगे जाना था, इंटरेस्ट था मेरा, और इसी से रिलेटेड मैं अपने सब्जेक्ट्स पढ़ती हूँ, मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड ही जो भी स्टडी करती हूँ। मैं अपने सब्जेक्ट के अलावा कोई बुक्स नहीं पढ़ती। मैं अपने कोर्स की बुक्स पढ़ती हूँ बस। मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में था और मैं फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक मैंने यही सब्जेक्ट पढ़ा और अपने कोर्स से रिलेटेड जो भी मुझे बुक्स अवेलेबल हो मैं उनको स्टडी कर लेती हूँ। मैं अपने कोर्स के अलावा मोटिवेशनल बुक्स मोस्टली पढ़ती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम बिलावल इकबाल है, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट से बिलोंग करता हूँ और मुझे ना अपने सब्जेक्ट कोर्स के अलावा मुख्तलिफ बुक्स पढ़ने का शौक़ है। लाइक मैं करंट अफेयर पढ़ने का शौक़ है मुझे। इसके अलावा जो मुख्तलिफ वर्ल्ड में इंसिडेंट हो रहे हैं मैं उनको भी एक्सप्लोर करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी टॉपिक हो मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकूँ। मैं इस सब्जेक्ट को जिसको चूज़ किया था बाय चॉइस किया था, बाय चांस नहीं किया था। मेरी फैमिली की तरफ से सपोर्ट थी, मेरे फैमिली मेम्बर जो हैं वो इस डिपार्टमेंट में रह के गए हैं, तो दैट्स व्हाई। मेरे अंकल हैं डिप्टी रजिस्ट्रार यहाँ यूनिवर्सिटी में, तो उनके वालिद साहब यहाँ इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में रहते थे, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने कहा कि आप ये चूज़ करें, तो मेरा इंटरेस्ट इसमें बढ़ गया, तो फिर मैंने इसको स्टडी करना शुरू किया, तो फिर मैंने इसी को चूज़ कर लिया अपने मास्टर्स के लिए। मैंने ये सब्जेक्ट अपने फादर की वजह से चूज़ किया, वो कह रहे थे कि आगे प्रोफेशन भी अच्छा है, तो इसलिए आप इस फील्ड में जाएं। मैं बाई चांस इस फील्ड में आई हूँ और इस फील्ड में आके मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। मैं इस डिपार्टमेंट में अपनी खुद की चॉइस से आई हूँ, मुझे मेरे अकेडमिक स्कूल के अकेडमी के प्रिंसिपल ने सजेशन दी थी मेरी ये फील्ड बहुत अच्छी है इस वजह से, और मुझे ये फील्ड में सबसे ज़्यादा सुकून मिल रहा है, सबसे ज़्यादा सुकून इस फील्ड में है। मैं इस फील्ड में बाई चॉइस आई हूँ, मेरी अपनी चॉइस थी और इस फील्ड में आने के लिए मुझे मेरे चाचा ने गाइड किया था क्योंकि वो खुद इस फील्ड से मुंसलिक हैं। मैं इस डिपार्टमेंट में अपनी चॉइस से आया, मैंने ना इस पंजाब यूनिवर्सिटी पर रिसर्च की थी कि कौन सा डिपार्टमेंट है, तो मुझे अपने मुताबिक ये डिपार्टमेंट लगा क्योंकि बुक्स में मेरा इंटरेस्टेड है, तो इस फील्ड में मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ, तो इसलिए मैंने ये डिपार्टमेंट चूज़ किया। मैं ये स्टडी करके लाइब्रेरीशिप की भी एक्सपीरियंस लेना चाहती हूँ और नेक्स्ट टीचिंग का भी इंशाल्लाह, और इसमें नेक्स्ट मास एमफिल और पीएचडी का भी मेरा ड्रीम है कि मैं इसमें पीएचडी भी करूँ और एमफिल भी, और लाइब्रेरियनशिप को भी एक्सपीरियंस दूँ, और टीचिंग का मुझे शुरू से ही बहुत ज़्यादा शौक है, तो इसी वजह से मैंने इसको चूज़ भी किया था, मैं पहले से ही इसको सोच कर आई थी। मैंने इस फील्ड में एज अ प्रोफेसर कंटिन्यू करना है। मैंने मास्टर्स के बाद इस फील्ड को लाइब्रेरियनशिप के तौर पे कंटिन्यू करना है। मास्टर्स के बाद मैं इंशाल्लाह मेरा पीएचडी तक जाने का इरादा है और मैं लाइब्रेरियनशिप और टीचिंग दोनों को एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। इसके अलावा मैं कंट्रीब्यूशन भी करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं आगे जाके लीड करूँ दूसरों को इसी प्रोफेशन में। मास्टर्स के बाद मैं लाइब्रेरियनशिप को कंटिन्यू करूँगी और इसी फील्ड में मैं ज़्यादा आगे जाना चाहती हूँ। मैं मास्टर के बाद इंशाल्लाह लाइब्रेरियनशिप को कंटिन्यू करना चाहूँगा क्योंकि दो साल की जो डिग्री मैं डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में सीखी है मैं इसी स्किल्स को प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मैं इस फील्ड में क्या कर सकता हूँ और इंशाल्लाह मैं इस फील्ड में ये कंट्रीब्यूट करूँगा कि बहुत ही कम लोग इस फील्ड की तरफ आते हैं क्योंकि लोगों को इस फील्ड का पता ही नहीं है। मैं लोगों में अवेयरनेस करूँगा, इस फील्ड में बताऊँगा, इसके फ़ायदे बताऊँगा, पहले बताऊँगा इस फील्ड में रह के आप कितनी लोग तरक्की कर सकते हैं।